हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। रश्मि कॉर्नर रश्मि में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा रोटी खाना या खाना खाना नहीं चाहता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको बच्चों के लिए। बच्चों की फूड हैबिट्स को सही बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं बताऊँगी जो शायद फ़ायदेमंद रहे और आपको मदद मिल सके। छोटे बच्चे अक्सर रोटी खाना या खाना खाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें दूध पीने की आदत रहती है और वो कोई भी खाना लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो रोटी जो होती है चबाने वाली चीज़ होती है और बच्चा चबाना नहीं चाहता है क्योंकि उससे उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे बच्चों को ज़्यादा चबाना भी नहीं पड़े और उसे चबाने की आदत भी हो जाए। तो इसके लिए जब आप गरम गरम रोटी बनाएं तो उसे पानी में डिप कर दे और देखें कि आपके हाथ एकदम साफ हो, और डिप करके आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे दूध या फिर दाल के पानी में सान कर बच्चों को खिलाए। लेकिन हाँ, मिक्सी में ना पीसे। बहुत सारे पेरेंट्स मिक्सी में पीस देते हैं जिससे वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म हो जाता है, तो इससे तो बच्चे को चबाने की आदत नहीं होगी। तो हमें ऐसे टिप्स अपनाने चाहिए जिससे बच्चा आसानी से खा भी ले और उसे चबाने की आदत भी हो जाए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप फुलाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रोटी को और फिर मैश करके बच्चों को खिलाए। उसके बाद आप गरम गरम रोटी में घी लगा के भी दे सकते हैं जिससे रोटी काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है और बच्चा आसानी से खा सकता है। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि लंच बॉक्स में रोटी कड़ा हो जाता है, तो इसके लिए सोयाबीन का पानी या फिर पनीर का पानी से आप आटा सान सकते हैं, या दाल का पानी या दूध से भी आटा सान सकते हैं। इससे भी रोटियां काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। इस तरह से आप बच्चों को आसानी से, छोटे बच्चे को रोटी खिला सकते हैं। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उनके साथ साथ में बैठ कर खाइए, या रोटी के साथ अलग अलग तरह की सब्जियों को ट्राई कीजिए जो बच्चे को अच्छी लगती हो। जैसे अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, नहीं तुम्हें सब्जी के साथ ही रोटी खानी है, या तुम्हें मैंने जो सब्जी बनाई उसी के साथ रोटी खानी है, तो आप उसे अलग अलग, जैसे चुकंदर के पानी से आप रोटी बना के दीजिए तो उसे कलर, या पालक के पानी से या पालक के पेस्ट से आप रोटी बना के दीजिए तो बच्चे को रोटी कलरफुल लगेगी और उसे खाना काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह के उपाय आप करके बच्चे को आसानी से रोटी खाने की आदत डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।